आज हम करेंगे एक्सपाक का टीम एनालाइज। वो लोग ने कैसा चिकन निकाला, कैसे वो लोग ने टीम वर्क किया। तो इस वाले तुम लोग देख सकते हो, प्लेन पर जो जा रहा है वो ऑलमोस्ट सेंटर से जा रहा है। जो ऊपर के मैप में जो प्लेस है वहाँ पे तुम लोग इजी जा सकते हो, नीचे का जो टीम है वहाँ पे तुम लोग को ऑब्वियसली कार चाहिए। तो टीम एक्सपाक का जो ड्रॉप था वो क्लोज था प्लेन पर से, तो ईजी वो लोग आराम से अपने ड्रॉप पर जाएंगे और लूटेंगे। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो टीम एक्सपाक ने ऑलरेडी सेंटर जो कि जोन है वो ले लिया है, और जहाँ पे वो लोग ने होल्ड किया था वो पोजीशन एकदम टॉप फील था। और वहाँ से आई थिंक कोई टीम को बैकअप करना उनके लिए बहुत इजी है। वो जो प्लेस था वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस था इस मैप में जीतने के लिए, और सेंटर ऑफ द जोन था तो वाई नॉट। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम टी एक्स ने जो कारनामे किए उसका मैं पूरा एनालाइज करूंगा आराम से, ठीक है। लेट्स सी। सो एज आई सेड गाइज, जो टीम एक्सपर्ट का जो पोजीशन था वो वन ऑफ द बेस्ट था इस मैप में, और सेंटर ऑफ द जोन था। आप देख सकते हो ऑलरेडी नॉकआउट का जो टीम था वो ऑलरेडी नीचे के स्क्वाड हाउस में आ चुका था, बट टी एक्स के पास जो पोजीशन था वो जो पोजीशन था वो आई थिंक बेस्ट पोजीशन था। और आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई इनको स्पोर्ट भी कर पाएगा, और करेगा तो भी आराम से रिवाइव कर देगा, एक को नॉक करेगा। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो सारंग का जो पोजीशन था वो क्या चुम्मा पोजीशन था ब्रो। तो यहाँ पे तुम देखो आराम से टॉप हिल पे बैठेंगे, किल्स निकालेंगे, और अपना जो चार प्लेयर का जो टीम वर्क था ना वो प्रॉपर टीम वर्क था। नो ओवर कमिट नथिंग, लेट्स सी। ऑलमोस्ट यहाँ पे नोक हो जाते बट द थिंग इज कि यहाँ पे विजन चलेगा, अदरवाइज तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे नोक निकल जाते तो दो किल्स और मिल जाते, बट इट्स ओके इट्स ओके। कभी कभी विजन में नहीं रहता तो कुछ नहीं कर सकते प्लेयर भी। गाइज अभी ये वाली जो टीम एक्सपर्ट की फाइट थी ना वो वन ऑफ द बेस्ट फाइट लगी मेरे को, बिकॉज बहुत अच्छा स्प्लिट था। सारंग अकेला था बट टीममेट पीछे से आराम से कवर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो सारंग ने नोक निकाला था वो वन ऑफ द बेस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये तो टी वन प्लेयर के लिए बहुत ईजी भी है। तो यहाँ पे जो सारंग था वो अकेले बंदे ने पूरे एक टीम को होल्ड कर रखा था, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी। तुम लोग देख सकते हो ऊपर टी एक्स का जो पुकार है वो भी आराम से कवर दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारंग ने सोचा फॉल बैक कर लेता हूँ, नो ओवर कमिट, बिकॉज वो लोग कहते ना डेडिकेटेड चिकन के लिए खेल रहे थे ये मैच, तो मेरे को बहुत सही लगा ये गेम प्ले। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं कौन होता हूँ, तो मैं जस्ट एक एनालाइज कर रहा हूँ मेरे तरफ से, बिकॉज और ये जो फाइट थी ना गाइज न्यूमन की वो थोड़ा सैंडविच सिचुएशन हो गई, बट टीएक्स ने यहाँ पे जो एफएल के जो टीम था फ्लैंकर को वो टीम को जो नॉकआउट और फिनिश किया ना। देखो हर तरफ से बंदे आ रहे टीएक्स के, तुम देखोगे तीनों डायरेक्शन से पड़ने वाली इनको, इनको कोई चांस ही नहीं कि यहाँ पे ये टीम सर्वाइव कर पाएगा। यहाँ पे जो टी एक्स ने जो फाइट लिया ना ये एकदम स्मूथ फाइट लिया था, एक भी बंदा नोक और फिनिश नहीं होता, एक बंदा नोक होता आई थिंक सारंग, उसको भी रिवाइव मिल गया बिकॉज। और लास्ट के जो दोनों प्लेयर बचे थे अलग अलग टीम के वो भी अपना हील बैटल कर रहे हैं, बिकॉज कोई चांस नहीं है, ऑलरेडी जोन के बहुत बाहर है, और भाग के भी जाएंगे तो मर ही जाएंगे, तो ऑब्वियसली हील बैटल करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमन का अभी था और एक कोई डेड प्लेयर था टीम सिक्स का, वो भी हील बैटल ही कर रहा था, तो दोनों के पास कोई चांस नहीं था। तो टी एक्स के पास बहुत ईजी चिकन आ गया था, यहाँ पे डेड प्लेयर ने अच्छा नोक भी निकाला था, बट द थिंग इज़ कि वो हीलिंग नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस है लास्ट जोन है। तो टीएक्स के लिए बहुत बहुत बढ़िया गेम था। तो इन लोग को ऐसे ही एनालाइज वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ कि मेरे को ये टीम्स का चिकन का एनालाइज चाहिए, ये तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा बट तुम लोग के कमेंट के बाद, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।